की बड़ी खबर से जो कि भोपाल से निकलकर सामने आ रही है, फलौदी सच्चा बाजार का फाइनल अपडेट। आपको बता दें एमपी में लोकसभा चुनावों के परिणामों का आंकड़ा, कल से आंकड़े में किया बदलाव, बीजेपी को 28 और कांग्रेस को एक सीट, वही एक दिन पहले भाजपा को दी थी 29 सीटें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी को 28 और कांग्रेस को एक सीट दी है, इसमें एक दिन पहले भाजपा को दी थी 29 सीटें। बड़ी खबर है, कल आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। बता दें इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो प्रमुख भोपाल से अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव के कल नतीजे आने वाले हैं, इससे पहले फलौदी सट्टा बाजार में एक अपडेट आया है, पहले 29 सीटें बीजेपी को दी गई थी और अब 28 सीटें बीजेपी को और एक कांग्रेस को दी गई है, क्या जानकारी है? देखिए बिल्कुल, ये फाइनल अपडेट है फलौदी सट्टा बाजार का। हम आपको बता दें मतगणना के एक दिन पहले, मतलब हम आपको बताएं जो 12 बजे दोपहर के ये अपडेट करते हैं जो एक इनका ट्रेड रहा है, और उसी के हिसाब से आज की 12 बजे के जो आंकड़े हैं उसमें बदलाव आया है कल की तुलना में। कल दोपहर 12 बजे तक के जो आंकड़े आए थे उसमें 29-0 जो था वो स्कोर कर रहा था इस सट्टा बाजार के हिसाब से, और बीजेपी पूरी 29 सीटें जीत रही थी। आज फिर बदलाव आया है और आज की जो सीटें हैं वो फिर एक कम हुई है भाजपा की, और 28 एक का जो है वो स्कोर ये दिखा रहे हैं या जो बता रहे हैं जो इनके सट्टा बाजार के मुताबिक इनके जो सोर्सेज हैं। बड़ी बात ये है कि इस पूरे अगर हम देखें अपडेशन में, जो अगर फाइनल डिटेलिंग में अगर जाते हैं तो 3 सीटों पे बेहद कड़ा मुकाबला इस हिसाब से है, इस सट्टा बाजार के हिसाब से, और इन्हीं की जो इनकी प्रोसेस होती है उसके हिसाब से जो इन्होंने फाइनलाइजेशन किया है कि न्यूनतम एक सीट कांग्रेस को मिल सकती है और अधिकतम बीजेपी को 28। तो जो आंकड़ा फाइनल अपडेशन का है वो यही है कि 28 एक बता रहा है आज दोपहर 12 बजे, यानी कि मतगणना के पहले का जो लास्ट अपडेट होता है, फाइनल अपडेट होता है फलौदी सट्टा बाजार का, उस हिसाब से मध्यप्रदेश का आंकड़ा 28 एक का है। जी बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, तो अब देखना होगा कि फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार आखिर परिणाम आते हैं या नहीं। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।